नमस्ते पीपल, सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शादी का सीज़न आ चुका है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मस्ती करने वाला और बहुत ही ऑस्पिशियस सीज़न होता है इंडियन वेडिंग के लिए। परफेक्ट टाइम होता है विंटर का। और अगर आप ऐसे ही कोई सीज़न में तैयारी कर रहे हैं शादी करने के लिए और आपका बजट है एक डेस्टिनेशन वेडिंग करने का, इंडिया में दोस्तों ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगी, एक डेस्टिनेशन प्रोवाइड करेंगी। आपको तो पता ही है, इंडिया में वेडिंग मतलब होता है फेस्टिवल जहाँ पर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको बताऊँगा इंडिया की टॉप 10 डेस्टिनेशन जहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं अपनी फ्यूचर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। नंबर 10th पे है पंजाब की एक बहुत ही खूबसूरत सिटी जिसका नाम है अमृतसर। अगर आप डिसाइड कर रहे हैं एक पीसफुल, हैप्पीनेस और अच्छे खाने से भरी हुई एक अच्छी वेडिंग, तो अमृतसर से बेटर प्लेस आपके लिए नहीं हो सकती है। पंजाब में अमृतसर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और वेडिंग करने के लिए यहाँ पे आपको कंट्री इन, स्वीट ऑफ कार्लसन, हयात, ग्रीन रिजॉर्ट, ऐसे होटल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपनी शाम को और हसीन बना सकते हैं। 9th नंबर पे हम चलते हैं राजस्थान की एक बहुत ही खूबसूरत सिटी में जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर को दोस्तों गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे फोर्ट्स मिल जाएंगे, एकदम लग्जेरियस, एकदम राजशाही टाइप के आपको यहाँ पे फोर्ट्स जगह मिल जाएंगे, मैंशंस मिल जाएंगे और एक फैंटेसी टाइप शादी करने के लिए, एक राजाओं की तरह शादी करने के लिए ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, यादगार बना देगी जैसलमेर आपकी शादी को। जैसलमेर में दोस्तों आपको फोर्ट रजवाड़ा, नारायण निवास, रंग महल पैलेस जैसे बहुत खूबसूरत पैलेसेस मिल जाएंगे। 8th नंबर पे एक ऐसी सिटी है जो कि खाली इंडिया में नहीं अपने प्यार के इंप्रेशन के लिए वर्ल्ड में मशहूर है, वो है आगरा। आगरा में दोस्तों आपको मुगल क्यूजीन मिल जाएगी, अपने शादी के लिए एक वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा और अपने प्यार से शादी करने के लिए आगरा से बेहतर कोई जगह नहीं है। यहाँ पे जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है, वेन्यूज हैं, वो है मानसिंह पैलेस, हिल्टन होटल, ITC मुगल एंड ऑर्चिड फार्म। 7th नंबर पे है हिडन जैम ऑफ राजस्थान, बीकानेर। बीकानेर मशहूर है उसके रॉयल्टी के लिए, उसके गॉर्जियस पैलेसेस के लिए। बीकानेर में दोस्तों आपको लालगढ़ पैलेस, लक्ष्मी निवार पैलेस, नारायण भवन, विस्ता बीकानेर पैलेस जैसी बहुत सारी खूबसूरत जगह मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपने वेन्यू को जाके डिसाइड कर सकते हैं और अपनी शादी धूमधाम से कर सकते हैं। अगर आपको इंडिया में एक ऐसे वेन्यू की तलाश है जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी, पीस, अपनी फैमिली के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए मिले और शादी करने के लिए एक दिल को सुकून देने वाली जगह हो, तो ऋषिकेश से बेटर कोई जगह आपके लिए नहीं हो सकती है इंडिया में। ऋषिकेश के बाद आ जाते हैं टॉप 5 में और टॉप 5 में सबसे पहला जो नंबर है 5th नंबर पे, वो है केरल। केरल के खूबसूरत बीचेस, वहाँ के खूबसूरत फॉरेस्ट, वहाँ पे जो रिजॉर्ट्स होते हैं, वहाँ पे दोस्तों शादी करने का एक अलग ही वाइब मिलेगी और बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइज हो सकती है वहाँ पे आपकी वेडिंग, अगर आप केरल को अपना डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए चूज करते हैं तो। यहाँ के लीला पैलेस, लेक पैलेस रिजॉर्ट बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे आप अपनी शादी कर सकते हैं। नंबर 4th पे है राजस्थान की एक और खूबसूरत जगह जोधपुर, जिसको ब्लू सिटी भी बोला जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको उम्मीद भवन पैलेस, अजीत भवन जैसे बहुत बड़े बड़े ग्रैंड पैलेसेस मिलेंगे जहाँ पे आप एकदम चार्मिंग रॉयल शादी कर सकते हैं और आपको एकदम राजा एंड रानी जैसा फील होगा। शादी की बात हो और राजस्थान की सबसे खूबसूरत सिटीज के नाम ना आए वो कैसे हो सकता है। नंबर 3 पे है जयपुर। जयपुर को जिसको पिंक सिटी बोलते हैं, यहाँ पे ताज जय महल पैलेस, परेड अमर पैलेस, प्राइड अमर विलास रिजॉर्ट जैसे खूबसूरत पैलेसेस हैं। यहाँ पे आप ऑफकोर्स बहुत ही ग्रैंड हेरिटेज वेन्यू में अपनी शादी कर सकते हैं। राजस्थान दोस्तों एक बहुत ही एक्सोटिक जगह है और यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत सिटीज मिल जाएंगे जहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कहाँ पे आपको शादी करनी है। नंबर 2 पे है उदयपुर। उदयपुर सपनों का एक शहर है, फैसिनेटिंग जगह है शादी करने के लिए, बहुत छोटी सी सिटी है बट डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए दोस्तों इससे खूबसूरत सिटी आपको इंडिया में शायद ही कोई मिलेगी। नंबर 1 पे है गोवा। गोवा दोस्तों सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी आज की डेट में काफी ज्यादा मेमोरेबल एंड काफी ज्यादा चलन में है। गोवा में दोस्तों आपको नॉर्थ इंडियन टाइप एकदम धूमधड़ाके वाली शादी करने के लिए जगह भी मिल जाएगी और एकदम साउथ इंडियन टाइप पीसफुल शादी करने के लिए भी, तो ये दोनों का बेस्ट मिक्सचर है। आपको कैसी शादी करनी है गोवा आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवा देगा। बीच पे शादी करनी है, एकदम धूमधड़ाके से शादी करनी है, गोवा आपको बेस्ट जगह देगा यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए। द लीला हो गया, द ताज एक्सोटिका, ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं बीचेस के पास में जो आपको अपना वैल्यू फॉर मनी देंगे और ऑफकोर्स आप अपनी ग्रैंड शादी कर सकते हैं गोवा में। ये हैं दोस्तों टॉप डेस्टिनेशन
फॉर वेडिंग इन इंडिया। अगर आपकी शादी होने वाली है, आपके पास बजट है, तो ऑफकोर्स गो फॉर इट। और हमें बुलाना मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।